गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, दैनिक राशिफल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 20 नवंबर सोमवार 2023, श्री शुभ संवत 2080, शक संवत 1945, कार्तिक महीना, उजाला पाठ, अष्टमी तिथि, सूर्य वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मकर राशि में। आज धनिष्ठा नक्षत्र रात 10:38 तक रहेगा। इसके बाद सद दिशा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिशा सूल पूर्व दिशा, परिहार दर्पण। आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो आप अपना चेहरा दर्पण में देखकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। दिशा सूल पूर्व दिशा, परिहार दर्पण। राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, गुले काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक एवं गंड काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में ना करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं अथवा यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो ये दोनों काम अगर आप गुलिक काल में करते हैं तो आपको कामयाबी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आज 20 नवंबर सोमवार दिन में 11:26 से पाचक लग जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पाचक में 5 चीजें करना अशुभ मानी जाती हैं, तो ये चीजें इस प्रकार हैं। पहली चीज, पाचक में चारपाई बनवाना अशुभ माना जाता है। दूसरा, जलाने के लिए लकड़ी घास आदि इकट्ठा करना। तीसरी चीज, पाचक में दक्षिण दिशा की यात्रा भी वर्जित होती है। चौथी चीज, घर की छत बनवाना भी वर्जित है। पांचवी चीज, जो सबसे बड़ी प्रचलित चीज है पाचक में, पाचक के समय अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार भी करना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है पाचक के समय मृत्यु जिसकी होती है उसके परिवार में या उसके घर में 5 लोगों की मृत्यु होती है। तो अब हम आगे की कड़ी की तरफ आपको लेके चलते हैं। राशि परिचय। अपने नाम के प्रथम अक्षर से अपनी राशि ज्ञात करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इन्हें इस प्रकार समझें जैसे कि प्रा। बहुत से लोगों के नाम प्रा से शुरू होते हैं, जैसे प्रमोद है, प्रियंका है, तो प्रा से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रा को आप पास देखें, कहने का सीधा सा मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है, और त्रा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे त्रिभुवन है, त्रिवेणी है, तो त्रा से आप परेशान न होइए, त्रा को आप ता में देखिए। कहने का सीधा सा मतलब ये है त्रा को आप तुला राशि से देखिए। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है, और ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे ज्ञानवती है, ज्ञानचंद है, तो ज्ञा से आप परेशान न होइए, ज्ञा को आप गा से देखिए। कहने का अर्थ ये है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है, और बहुत से लोगों के नाम श्रा से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे कि श्रीचंद है, श्री नारायण है, तो श्रा से आप परेशान न होइए, श्रा को आप श्रा से देखें। कहने का सीधा सा अर्थ ये है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें। अब हम आपको आगे की कड़ी की तरफ लेकर चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों, आज
मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है, जमीन जायदाद संबंधी भी मामलों में लाभ मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, लाल मसूर का दान करें। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, भाई बहन का आपको सहयोग प्राप्त होगा, माता का भी सुख प्राप्त होगा, आज का दिन आपके लिए ठीक। जेमिनी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज परिवार से मतभेद होने के दिखाई दे रहे हैं, धन हान होने के भी योग है, चिंता बढ़ेगी। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके हरे वस्त्र धारण करें। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज पति या पत्नी को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, मन प्रसन्न रहेगा, रोजगार मंदा रहेगा, नहाने के पानी में कौड़ा जल डालकर स्नान करें। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, उलझन बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन की बर्बादी होगी, परंतु बाहरी स्थानों से सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज संतान को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, दिमाग में कुछ दिक्कत रहेगी, मन मतलब दिमागी टेंशन रहेगा, भाई का सहयोग प्राप्त होगा, धन का भी लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज माता को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में दिक्कत आने के योग हैं, सरकारी अधिकारी आपके अनुकूल रहेंगे, पिता का सुख प्राप्त होगा। विशेष उपाय, वस्त्रों में अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता के चांस बनेंगे, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, भाग्य प्रबल है। विशेष उपाय, हनुमान जी पर सिंदूर अर्पित करें। सजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों आज परिवार से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, मन खिन्न रहेगा, रोजगार में लाभ रहेगा, पति या पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, गृहस्थ सुख आपको मिलेगा। विशेष उपाय, पूरे बदन में सरसों का तेल मलकर स्नान करें। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज धन के प्रति सावधान रहें, धन बर्बाद होने के योग दिख रहे हैं, बाहरी संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं, चिंता बढ़ेगी, दुश्मन आप पर हावी होने का प्रयास करेगा। विशेष उपाय, हनुमान जी की सेवा करें। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज थोड़ा सा धन का लाभ मिलेगा आपको, बड़े भाई से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु संतान का सुख आपको मिलेगा, छात्रों को मेहनत करने से सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, केले के पूजा की, केले वृक्ष की पूजा करें। अगर अपने राश फल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपनी राश को लग्न से देखें, अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके अपनी लग्न
की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना अत्रेका परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान तथा विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807-2255-23 पर सुबह 10:30 से 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर कानपुर नगर। जय माता की।